बिग बॉस और झलक दिखला जा के बाद मनीषा ने एक बार फिर एल्विश यादव को दिया बड़ा झटका। मनीषा ने प्लेग्राउंड में बताए अपने बेस्ट फ्रेंड की खोले राज। अभिषेक या एल्विश को लेकर बोली पड़ी बात। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों इस समय एल्विश यादव और फुकरा इंसान प्लेग्राउंड के सीज़न 3 में है, जहां पर एल्विश और फुकरा को लेकर सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट देखने को मिला है। दोनों का ब्रोमांस भी देखने को मिला, डांस सेशन भी हुआ। लेकिन अब मनीषा की भी एंट्री हो गई है प्लेग्राउंड में और यहाँ पर मनीषा ने बता दिया है कि कौन है फुकरा या फिर एल्विश मनीषा के सबसे बेस्ट फ्रेंड। वैसे तो जिसने भी बिग बॉस देखा है और बिग बॉस के बाद से सभी को पता है कि बेस्ट फ्रेंड का जब भी नाम आता है मनीषा ने हमेशा से ही फुकरा इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। ये उसके बाद नहीं हुआ जब से एल्विशा ख़त्म हुआ है। मनीषा ने बिग बॉस से निकलने के बाहर से ही हमेशा से ही अभिषेक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया और प्ले ग्राउंड के सीज़न में पहुँची मनीषा ने एक बार फिर एल्विश यादव को दिया है तगड़ा झटका। एल्विश को नहीं, यहाँ पर मनीषा ने फुकरा इंसान को बताया है अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्लिप है मनीषा की, इसको एक बार को आप जरूर सुनिए। देखो अभी तुम तीनों फुकरा के टीम से हो तो शायद मेरे को थोड़ा ज्यादा प्यार उड़ाना चाहिए, लेकिन ये फुकरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे हम बायस हो नहीं सकते, इसलिए मेरे लिए फिलहाल तुम सब। तो ये तो जो फैंस हैं मनीषा के, जो फैंस हैं एल्विशा फैंस हैं या फिर अभिषा फैंस हैं, अभिषेक के फैंस हैं या एल्विश के फैंस हैं, उनको पता है कि मनीषा का बेस्ट फ्रेंड तो अभिषेक मलहन ही रहेगा, क्योंकि मनीषा का अभी फ़िलहाल के लिए रिश्ता एल्विश यादव के साथ वो प्रोफेशनल बॉन्ड भी अच्छा नहीं चल रहा है। मनीषा प्लेग्राउंड में पहुंची और यहां पर एल्विश यादव जो हैं वो एंटरटेनिंग टीआरपी किंग एल्विश यादव ये ट्रेंड हो रहे थे। तो मनीषा जो है मनीषा ग्रेसिंग प्लेग्राउंड ये भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था। एल्विश यादव और मनीषा रानी का इस समय सिस्टम सबसे ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू फुकरा इंसान। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में मनीषा के इस बयान पे, जो मनीषा ने बयान दिया है उस पर आप क्या कहना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।